हेलो नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मेरा नाम है लोकेश सिंह और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है एसे राइटिंग। आपको पता है हर वेनसडे को हम लोग लेकर आते हैं आप लोगों के लिए एसे राइटिंग की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं करंट के एक टॉपिक के बारे में। हम सभी को पता है पाकिस्तान की इस वक्त क्या कंडीशन है, किस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त अपनी आर्थिक स्थिति से, अपने पॉलिटिकल सिस्टम से, अपनी मिलिट्री सिस्टम से किस तरीके से लड़ रहा है, क्या समस्याएं वहां पे पैदा हो रही हैं, वो सारी चीजें। आखिर जो पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ रहा है, क्या इंडिया के लिए वो नुकसानदेह है, इसके ऊपर आज पूरा का पूरा ऐसे है। इस तरीके का ऐसे राइटिंग आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग CAPF जैसे पेपर को देने जा रहे हो। साथ ही साथ इस तरीके की चीजों के ऊपर आपको रिपोर्ट राइटिंग में भी लिखने के लिए आ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके ऊपर आप लोग अच्छे से रिएक्ट करोगे, अच्छे से काम करोगे। और इसी के साथ मैं आपको यही सेम ऐसे आपको एज अ होमवर्क भी दे रहा हूं। मैं आप लोगों को आज जो ऐसे लेकर आया हूं वर्ल्ड टू वर्ल्ड लेकर आया हूं। कई बार ये डिमांड होती थी, सर हमें वर्ल्ड टू वर्ल्ड आप लोग ऐसे दीजिए, या हमें पता नहीं चल रहा हम लोग किस तरीके से ऐसे लिखे, ऐसे के पॉइंट पता चल गए, समझ में आ गए जब क्लास में आए। पर अभी भी हम लोगों के साथ दिक्कत ये है कि हम लोग उसको प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो आज मैंने आपके लिए कंप्लीट ऐसे लिखकर लाया हूं मैं आप लोगों के लिए, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको किस तरीके से क्या करना है, इसको डिलीवर करना है। एक प्रॉपर ऐसे में लेकर आया हूं आपके लिए 300 वर्ड्स का, जितना आपको CAPF में लिखने के लिए रिक्वायर्ड है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज जितना हो सके अपना प्यार दीजिए, जितना हो सके प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप लोगों का लाइक करना, आप लोगों का प्यार हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। तो प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को प्यार दें, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और जहां पर भी आप लोग सोशल मीडिया पर हैं वहां पर आप प्लीज इसको शेयर कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फिलहाल करते हैं अपनी आज की वीडियो को शुरू और देखते हैं आज के ऐसे में क्या है हमारे पास खास। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, देखो जिस तरीके से हमारा जो एसे का टॉपिक है, सेम एसे का जो टॉपिक है, इस तरीके के टॉपिक को, टॉपिक का जो एक तरह से बोले हेडिंग जो चेंज हो सकती है, पर जो अंदर का कंटेक्स्ट है, अंदर का जो मटेरियल है, जो बॉडी है, पूरी की पूरी वही रहेगी। जैसे पाकिस्तान स्क्रम्बलिंग इकोनॉमी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया, इनस्टेबल पाकिस्तान इंपैक्टेड रिलेशन विद इंडिया, ठीक है, इंडिया एंड क्राइसिस इन पाकिस्तान, इनस्टेबिलिटी इन पाक कैन बी कॉज फॉर कंसर्न, ये सारे के सारे टॉपिक कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहां पे बात को समझो कि ये ऐसे लगातार आता रहता है और कई बार न्यूज में ये चीजें बहुत ज्यादा रहती है चर्चा में। तो सिमिलर टाइटल्स आपको मिल सकते हैं, सिमिलर टाइटल्स के अगर आ जाते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अंदर का जो माल मसाला जो मटेरियल है वो सारा का सारा वही रहेगा, आपको वही सारी बातें लिखनी है, वही सारी चीजें उसमें डालनी है। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन डालते हैं, इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट भी आपको दूंगा, क्योंकि किसी भी ऐसे को जब आप लोग लिख रहे हो ध्यान रखना ऐसे राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है उसका पाथ, आप किस रास्ते पर लेकर जा रहे हो, ठीक है, उसका पाथ बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका रास्ता बहुत ज्यादा जरूरी है, कि किस डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन आप उस ऐसे को दे रहे हो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी डायरेक्शन के साथ साथ इस डायरेक्शन दोगे कैसे, तो उसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर फैक्ट। अगर आपने सही तरीके से फैक्ट को एक्सप्लेन किया, सही तरीके से चीजों को वहां पे डाला है, तो 100% है आपका ऐसे अपने आप ही सही डायरेक्शन में चला जाएगा। जो भी एग्जामिनर आपके ऐसे को पढ़ रहा है वो सही तरीके से आपके ऐसे के कंक्लूजन तक पहुंचेगा, अदरवाइज क्या होता है एग्जामिनर क्या करेगा आपकी कॉपी उठाकर, क्योंकि इतने सारे बच्चों की कॉपियां पढ़नी है, तो इतने सारे बच्चों की जब कॉपियां पढ़नी है तो वो क्या करेगा आपका ऐसे उठाएगा, इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, इंट्रोडक्शन में अगर उसे लगेगा कि हाँ आप टारगेट पर पहुंच रहे हो, जो ऑब्जेक्टिव जो टाइटल दिया गया है उसको आप उसके डायरेक्शन में जा रहे हो, उस रास्ते पर जा रहे हो, तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या करेगा फर्स्ट पैरा पढ़ेगा इंट्रोडक्शन का एंड देन सीधे लास्ट वाला पैरा पढ़ लेगा कि कंक्लूजन क्या दे रखा है, उसके हिसाब से आपको 20 में से 10-8 नंबर दे देगा कुछ। पर अगर आपने इंट्रोडक्शन एक बहुत सही तरीके से लिखा है, आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि आप किस तरीके से चीजों को आगे लेकर जा रहे हो, किस तरीके से आप चीजों को एक्सप्लेन करो, 100% है वो आपकी कंप्लीट ऐसे की बॉडी को पढ़ेगा, आपकी जो मेन मेन पॉइंट अंडरलाइन कर देते हो आप लोग या अदर से अलग से आपने टाइटल कोई लिख दिया तो उसको वो देख लेगा, अदरवाइज वो पढ़ेगा ही नहीं पूरा। तो मैं चाहता हूं कि आपकी कॉपी पर जब एग्जामिनर आए तो उसको पूरा का पूरा पढ़े,
तो पूरा पढ़वाओगे कैसे? देखो यहां पर मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही यहां पे लिखा है, हिंदी वाले भी बच्चे देख सकते हैं, वैसे मैं समझा भी हिंदी में ही रहूं ऑलरेडी, तो उससे कोई दिक्कत होगी नहीं। तो पाकिस्तान हमारी एक नेबर कंट्री है और लगातार ये क्या एक अनस्टेबिलिटी देखती रहती है, वायलेंस सर्व करी काफी लंबे टाइम से ऑलरेडी। हम लोग अभी रिसेंटली इमरान खान के बाद की कंडीशन देख ही रहे हैं क्या हो रही है वहां पे, सरकार होने के बावजूद भी वहां पे लगातार दंगे फसाद हो रहे हैं, लगातार आर्मी के अगेंस्ट और वहां की फोर्सेस के अगेंस्ट लोग एक्शंस ले रहे हैं। जो कश्मीर है वहां पर आजाद कश्मीर जिसको कहा जाता है पाकिस्तान के द्वारा, पीओके वाला पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं, वहां पर लगातार आवाज उठ रही है कि भैया हमें इंडिया के साथ मिला दो, हमें क्यों यहाँ पे परेशान कर रहे हो पाकिस्तान के साथ रखकर, है ना। लगातार पाकिस्तान में जो मिलिट्री कूप होते रहते हैं, जो वहां की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है किस तरीके से इंपैक्ट डाल रही है पाकिस्तान पर, और कहीं ना कहीं इन सभी चीजों का, इन सभी इंस्टेबिलिटीज का इंपैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर भी पड़ रहा है, उसके नेबर्स के ऊपर भी पड़ता है। और आज तक का रिकॉर्ड है कि कोई भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान में 5 ईयर्स का जो टेन्योर है वो पूरा नहीं कर पाया। तो इसी से अंदाजा लग जाना चाहिए कि यार कितनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के लिए काफी बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है धीरे धीरे, किस तरीके से बन रहा है तो ये भी जरा देख लेते। पर उससे पहले जरा हिस्ट्री जान लेते पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्या है, तो वो देख लो आप लोग। 1940 में मुस्लिम लीग ने डिमांड की, पाकिस्तान का जन्म हुआ 1947 में, 1950 और इसके बीच में क्या 1947 में इसने कश्मीर वॉर कर दी इंडिया के साथ, कश्मीर को हथियाने के लिए, जिसकी वजह से पीओके वाला पार्ट पाकिस्तान के पास है, हमारी एक छोटी से ब्लंडर की वजह से, हमारे कुछ नेताओं की वजह से। फिर उसके बाद आता है यहां पर सेकेंड वॉर कश्मीर के लिए, 1965 में होती है। फिर दिसंबर 1971 में होती है, पाकिस्तान एक्चुअल में वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान वाली लड़ाई थी, जहां पे हम लोगों के सपोर्ट से बांग्लादेश का जन्म होता है इंडिया के सपोर्ट से। फिर इसी के बाद इंडिया क्या करता है, पोखरण ब्लास्ट करता है। पोखरण में आपको पता ही है, पोखरण में जो हुआ था स्माइलिंग बुद्धा इंदिरा गांधी के टाइम पर पहला न्यूक्लियर टेस्ट। इसके बाद फिर यहां पे कश्मीर इंसर्जेंसी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये शुरू होती है कब, 1989 में। 1989 में क्यों, क्योंकि 1985 में जो सोवियत रशिया था, रशिया जो था वो एक्चुअल में अफगानिस्तान से बाहर आ जाता है और अमेरिका वहां पर चला जाता है, और रशिया को बाहर निकालने के लिए अमेरिका ने वहां पर आतंकवादियों को क्या दिया था, ट्रेनिंग दी थी, आतंकवादियों को वहां पे भेजा था। जो आज के टाइम पर आप लोग ओसामा बिन लादेन देखते हो वो एक्चुअल में पाकिस्तान और अमेरिका के द्वारा तैयार किया गया था, और अमेरिका ने ही यहां पर क्या किया था, इसे तैयार करके भेजा था कि जाओ रशिया के अगेंस्ट हथियार उठाओ। बाद में ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के अगेंस्ट ही हथियार उठा लिए, तो वहां से जो टेररिस्ट फ्री हो गए, जिनके पास अब कोई काम नहीं बचा, पाकिस्तान के पाले हुए जो टेररिस्ट है उनको कहां भेजे, तो उन्होंने क्या कर दिया, उनको कश्मीर की तरफ डाइवर्ट कर दिया। इसीलिए 85 के बाद 89 में हमें इंडिया में काफी ज्यादा क्या यहां पर इंसर्जेंसी देखने को मिलती है। और इसी के बाद जहां पहले एक बहुत बड़ी जनसंख्या रहती थी कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में, वो सारे के सारे वहां से क्या बाहर निकल आए। आज के टाइम पर आप लोग देख सकते हो कश्मीरी पंडित की क्या हालचाल, क्या दिक्कतें हैं। यही सेम कंडीशन आज के टाइम पर पाकिस्तान इंडिया के साथ कई और एरियाज में करने की कोशिश करता है, यूपी के कुछ एरियाज में करने की कोशिश करता है, इंडिया के मुस्लिम्स को उनको कहीं ना कहीं उनका माइंड वॉश करता है इंडिया के मुस्लिम्स का। और इसके अलावा आप लोग उत्तराखंड में देख सकते हो, अभी रिसेंटली हमको देखने को मिला उत्तराखंड में और हिमाचल में इस तरह के एक्शंस, है ना। तो अब यहां पे क्या होता है, यहां पे फिर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आती है 1994 में, जहां पे पोखरण टू होता है, ठीक है। और यहां पे जब पोखरण टू होता है, इसके बाद पाकिस्तान भी अपना एक न्यूक्लियर टेस्ट करता है जो कि सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद इंडिया एक अपनी पॉलिसी अडॉप्ट करता है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि जब तक कोई हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा हम किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। फाइनली इसी के तुरंत बाद यहां पर कारगिल वॉर होती है। क्या होता है, कारगिल वॉर होती है। कारगिल वॉर में, इन सभी वॉर्स में पाकिस्तान क्या हो रहा है, बुरी तरह से आ रहा है। कारगिल वॉर के बाद पाकिस्तान को समझ आ गया इंडिया को और अलग तरीके से क्या करना पड़ेगा, यहां पर बैकफुट पे लाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना शुरू किया पाकिस्तान ने, इंडिया में लगातार बड़े बड़े अटैक्स करने शुरू किए इंडिया में। अब लगातार जो अटैक कर रहा है इसके साथ साथ क्या वो इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं उनको भी क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं उनका माइंड वॉश करने की कोशिश करता है। फाइनली इन सब में हमको देखने को मिलता है क्या, सबसे पहले पार्लियामेंट अटैक देखने को मिलता है इंडिया में, फिर समझौता एक्सप्रेस जो इंडिया से पाकिस्तान ट्रेन जाती थी उसमें बम ब्लास्ट देखने को मिलता है,
यहां पर हमको मुंबई अटैक देखने को मिलता है 2008 में, आपको पता ही होगा, यही वो ताज होटल वाला जो था है ना, ताज और ओबराय में, ठीक है, और नरीमन हाउस, तीन जगह थी। फिर इसी के साथ क्या पुलवामा अटैक हमको देखने को मिलता है, तो ये सारे अटैक हुए थे। पुलवामा अटैक के बाद आप ही को देखने को मिलती है इंडिया की तरफ से क्या एयर स्ट्राइक हुई थी, इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हम लोगों ने की थी, सेम 2018 में जो हुआ था उरी अटैक जो हुआ था। तो ये सारे अटैक इंडिया और पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान इंडिया के ऊपर कर रहा है कहीं ना कहीं, और ये चीजें ही हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है, डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है, साथ में हमारे रिलेशन भी स्ट्रांग नहीं हो पा रहे, लगातार हम उन्हीं छोटी छोटी बातों पर क्या एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, और ये लड़ना कहीं ना कहीं हम दोनों के लिए ही क्या है, नुकसानदेह है एक्चुअल में। तो अब यहां पे जरा पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री गवर्नमेंट दो तरीके से रही है। 47 में इंडिपेंडेंस के बाद ही लगातार पाकिस्तान में हमेशा उलटफेर चलता रहा है, और ये उलटफेर कोई छोटा मोटा उलटफेर नहीं रहा है, ड्रास्टिकली लगातार मिलिट्री कूप होते हैं, मिलिट्री के जो ऑफिसर्स हैं वो कंप्लीट कंट्रोल में ले लेते हैं अपनी पावर। आज के टाइम पर आप जो इमरान खान वाली कंडीशन देख रहे हो, इमरान खान जो हटाया गया है, जो पाकिस्तान की आर्मी उसी के सपोर्ट से वो पावर में आए थे और उसी के सपोर्ट से उनको हटा दिया गया। शहबाज शरीफ अभी जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, नवाब शरीफ के भाई, आप देखो उनकी हाथ में क्या पावर है, कोई पावर नहीं है, केवल कहने भर के लिए नाम मात्र के केवल प्राइम मिनिस्टर है ना, काम तो वो कुछ नहीं करे, काम तो उनका सारा सारा मिलिट्री करती है उनकी, तो ये चीज आपको समझनी होगी। और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो इस तरीके का है कि जैसे कि मतलब आप छोटे बच्चे को देखते हो कि बच्चे ने कुछ लिखा, गलती होगी तो उसने उसको काट के फिर दोबारा लिख दिया, फिर दोबारा लिखा, फिर गलती होगी, फिर काटा, फिर लिख दिया, फिर काटा, फिर लिख दिया। तो ये पाकिस्तान का तो कॉन्स्टिट्यूशन की भी कंडीशन इस तरीके की है, ठीक है। फिर अगर हम लोग यहां पर इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी को लेकर भी एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं, देखो ये सारे फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपको ये तो पता है कि ऐसे में आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई इंडिया कहीं ना कहीं पाकिस्तान से 10 कदम आगे ही है, 10 क्या बल्कि 1000 कदम आगे है, और पाकिस्तान से कई साल आगे है। बट अनफॉर्चुनेट कंडीशन, जब लगातार सामने वाला पर्सन हमारे लिए एक हीन भावना लेकर बैठा है, लगातार हमसे लड़ने की फिराक में है, तो नो डाउट हमें भी उसके हिसाब से तैयार रहना पड़ेगा। तो पाकिस्तान का जो अपना बजट है 2018 के हिसाब से हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो जो उनके बजट का 3.6 रहता है आर्मी का, और इंडिया में जो बजट रहता है वो 2.1 रहता है, अभी 2.7 के आसपास रहता है इंडियन का डिफेंस बजट। आर्मी पर्सन देखें तो 12 लाख इंडियन आर्मी में और पाकिस्तान में 5.6, ये अब आज के टाइम पर 6.3 है डेटा, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। इंडिया में जो टैंक्स हैं वो 3,565 है, पाकिस्तान में 4,496। आर्मेड व्हीकल्स इंडिया में 336 है, जो आज के टाइम पर बढ़ के 400 समथिंग के आसपास आ चुका है डेटा, 450 समथिंग के आसपास है, और पाकिस्तान में 1,605। आर्टिलरी गन्स अगर हम लोग बोले इंडिया में 9,719 और पाकिस्तान में 4,472। सबमरीन्स इंडिया में 16 के आसपास है, पाकिस्तान में 8। फ्रिगेट्स इंडिया में 18, पाकिस्तान में 9। कॉम्बेट कैपेबिलिटी एयरक्राफ्ट इंडिया में 75 और पाकिस्तान में 8। पेट्रोल वेसल्स जो है वो इंडिया में 106 और पाकिस्तान में 17। एयरफोर्स पर्सन की अगर बात करें तो इंडिया में 1.27 लाख और पाकिस्तान में 45,000 केवल। कॉम्बेट की बात की जाए तो यहां पर 814 एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान में 425 हैं। और ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं इसमें से जो हमारे मिग विमान हैं उनको क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हटाने वाले हैं उनको, जैसे ही हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो ये जो संख्या है, ये वैसे तो रिप्लेस करना अभी थोड़ा सा मुश्किल, एकदम से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बट धीरे धीरे उनको क्या कम से कम डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा या फिर उनको केवल ट्रेनिंग पर्पस के लिए ही रखा जाएगा। वैसे तो डिसकंटिन्यू ही कर दिए जाए तो ज्यादा बेहतर है, वो एक तरह से बोला जाए आज के टाइम पर मिग को फ्लाइंग कॉफिन बोलते हैं। आपको पता है लगातार कितने हमारे एयरफोर्स ऑफिसर्स उसमें मारे गए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज समझनी होगी। इस वक्त इंडिया के पास सबसे ज्यादा जो एडवांस एयरक्राफ्ट है वो आपके सामने राफेल,
और पाकिस्तान के सामने पास जो है वो है F-16 अमेरिका से लिया हुआ, जिसे हमारे MiG-21 ने अभिनंदन वर्मा के द्वारा मार दिया गया था, MiG-21 के द्वारा। फिर यहां पे न्यूक्लियर वेपन की बात की जाए तो न्यूक्लियर वेपन यहां पर एग्जैक्ट मैं आपको फिगर देना चाहूंगा, ये जो एग्जैक्ट फिगर है यहां पर ये नहीं है। पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन है और इंडिया के पास 164 है। पर सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिया के पास जितने भी न्यूक्लियर वेपन है ये सबके सब वर्किंग कंडीशन में, और पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन है 170 ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है। केवल कुछ ही न्यूक्लियर वेपन हैं जो उसके वर्किंग कंडीशन में, और ज्यादातर जो न्यूक्लियर वेपन हैं ये सब के सब टैक्टिकल वेपन हैं। अब आप कहोगे सर टैक्टिकल वेपन क्या होते हैं, तो टैक्टिकल वेपन एक्चुअल में वो वेपन होता है जिस वेपन का इस्तेमाल आप छोटी रेंज के लिए करते हो, आसपास के किसी एरिया को टारगेट करने के लिए कर रहे हो। अब आसपास के एरिया की बात की जा रही है, इसका मतलब केवल और केवल कितना, 100 किलोमीटर के आसपास का एरिया। मतलब कि अगर पाकिस्तान अपने जो न्यूक्लियर वेपन है वो किस हिसाब से बनाता है कि कभी अगर इंडिया ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया तो हम लोग 100 किलोमीटर की दूरी पर न्यूक्लियर वेपन दाग देंगे। 100 किलोमीटर कहां पर, पाकिस्तान के अंदर ही। मैक्सिमम रेंज इनके जो टेक्टिकल वेपन है न्यूक्लियर वेपन उनकी 100 किलोमीटर के आसपास की रेंज है। वहीं पर इंडिया के पास ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक वेपन है जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड को भी ले जा सकते हैं। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। इसके अलावा हमारे पास अग्नि 5 आपको पता ही है, मोर देन 5000 किलोमीटर तक जा सकती है, उसकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक की जा सकती है। अभी भी इंडिया क्या लगातार कई और मिसाइल टेस्ट लगातार कर रहा है। आई होप आप लोग बात समझ पा रहे होंगे क्या मैं यहां पे समझा रहा हूं। तो ये सारे फैक्ट है आपको पता होने चाहिए अपने ऐसे के लिए। फाइनली इंडिया और पाकिस्तान के बारे में अगर देखा जाए तो जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है उसके बाद से ही पाकिस्तान में लगातार अनस्टेबिलिटी है। अभी अनस्टेबिलिटी उसकी आजादी के बाद से ही है, और लगातार ये रीजन कौन कौन से, तो ये रीजन तो वैसे मैंने यहां पे पॉइंट में दे रखे पर पीछे आपको फिर से प्रॉपर पैराग्राफ में दिखेगा, मैंने यहां पे जानबूझ के पॉइंट में लिखे ताकि आप लोग आसानी से समझ सको। तो 1947 के बाद ही लगातार इंडिया और पाकिस्तान में लगातार इंस्टेबिलिटी है, और इसकी जो इंस्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी काफी ज्यादा हार्मफुल है, काफी ज्यादा नेगेटिव है। और ये जो अनस्टेबिलिटी है इसके पीछे सबसे बड़े कारण क्या है, तो वो आपके सामने इंक्रीजिंग द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है पाकिस्तान इंडिया में भेज रहा है और पाकिस्तान में तालिबान भेज रहा है, मतलब कि एक तरह से बोला जाए अफगानिस्तान भेज रहा है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ वॉर, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ ये है कि कहीं ना कहीं उसकी अपनी हरकतों की वजह से रिस्क ऑफ वॉर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। रिफ्यूजीज क्राइसिस बहुत ज्यादा है वहां पर, अफगानिस्तान से लोग वहां पर बहुत ज्यादा आते हैं। फिर यहां पर देखा जाए तो रीजनल सिक्योरिटी के साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रखा है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने चाइना को इतना ज्यादा अपर हैंड दे रखा है जिसकी वजह से आज के टाइम पर चाइना इंडिया के लिए थ्रेट बना हुआ है एक तरह से। और अगर ऐसा ना करता पाकिस्तान और इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे से रखता तो 101% है, 101% है कि पाकिस्तान की कंडीशन बहुत ज्यादा सुधर जाती। मैं आपको आज के टाइम पर एक बात बताता हूं, पाकिस्तान ने अगर ऐसी हरकतें ना करता, पाकिस्तान अगर सही से मोहम्मद अली जिन्ना के विचार पर भी चलता तो भी काफी हद तक पाकिस्तान सही बन सकता था, एक सेकुलर कंट्री होता। सेकुलर कंट्री होने के साथ साथ एक खास बात यह भी होती पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर ओपन बॉर्डर होता, जैसे कि हमारे नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है, एक तरह का ओपन बॉर्डर। इसका बेनिफिट पाकिस्तान को बहुत ज्यादा होता, बट अनफॉर्चुनेट कंडीशन कि पाकिस्तान ने वो स्थिति ही नहीं रखी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रीजनल सिक्योरिटी क्या हो गई यहां पर, कॉम्प्रोमाइज कर ली। अब यहां पर आती देखो वही बातें जो मैंने आप लोगों को बताई थी, इंक्रीज द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंक्रीज द रिस्क ऑफ द वॉर, रिफ्यूजी क्राइसिस, कॉम्प्रोमाइज द रीजनल सिक्योरिटी, वही सारी बातें हमने पैराग्राफ में लिख दी यहां पर। एंड इंडिया इज द वर्स्ट इंटरेस्ट टू सींग द स्टेबल पाकिस्तान, हम लोगों का बहुत इंटरेस्ट है कि हम लोग चाहते हैं पाकिस्तान स्टेबल हो। अनस्टेबल पाकिस्तान से हम लोग पीओके वाला पार्ट भी लेकर नहीं ले सकते, दिक्कत ये ऑलरेडी आपको पता है पाकिस्तान ने पीओके की क्या कंडीशन कर रखी है। वैसे तो ये इंडिया को मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, हम लोग इसको ज्यादा अच्छे से सुधार पाएंगे।
बट अनफॉर्चुनेट कंडीशन, सुधारे कैसे भाई? सीधी सी बात है, सुधारे कैसे? इतनी वर्स्ट कंडीशन कर दी है उसकी, इतनी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन कर दी है कि वहां पे आज के टाइम पर डेवलपमेंट के नाम पे कुछ है ही नहीं। इसीलिए पीओके से सबसे ज्यादा आवाज उठती है कि भैया हमें इंडिया के साथ मिला दो, किसी तरह से इंडिया के साथ हमको मिला दो। आज के टाइम पर अगर इलेक्शन हो जाए वहां पर पीओके के पार्ट में, 100% वहां के लोग इंडिया के साथ चले जाएंगे। इलेक्शन की वैसे जरूरत नहीं है, इंडिया का ही पार्ट है वो। पर यूएन में ये टॉपिक जा चुका है तो उसकी वजह से अब क्या है कि वहां उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन उनको फॉलो करना पड़ेगा। पाकिस्तान को वहां से अपनी आर्मी हटानी पड़ेगी, देन फिर उसके बाद वहां पर क्या इलेक्शन होगा। फिर इसके साथ साथ हम खुद चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान में एक स्टेबल कंडीशन आए और हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर ग्राउंड पर जाकर, ऑन ग्राउंड जाकर इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और इनको ज्यादा बेहतर बना सकें। और एक्चुअल में इंडिया ही ये काम कर सकता है क्योंकि हम पाकिस्तान की नब्ज से वाकिफ हैं, हम पाकिस्तान की नस नस जानते हैं कि वो किस तरह की हरकतें करता है। कोई दूसरा देश जाने ना जाने पर हम जरूर जानते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह से सुधारना है, किस तरीके से इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है पाकिस्तान में। अब यहां पे आता है अपना मेन कंटेंट। अभी तक आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा मिला है आपको, पर इस लंबे से इंट्रोडक्शन को छोटे वर्ड्स में लिखोगे आप लोग अपने तरीके से। फाइनली यहां से शुरू होता है आपका पार्ट, मेन बॉडी जो है। सबसे पहले इकोनॉमिकल इंपैक्ट, तो पाकिस्तान की इनस्टेबिलिटी से इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा क्या डायरेक्टली नुकसान होता है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं इंडिया के लिए थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर है। दूसरा, पाकिस्तान के से अदर कंट्रीज की तरफ हमारा रास्ता जाता है ट्रेडिंग के लिए। तो जब ट्रेड करना होता है, ईरान इराक जाना है, हमें अफगानिस्तान जाना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पाकिस्तान की। हमें प्रॉपर रोड सिस्टम नहीं मिलता, आपस में डिस्प्यूट हो गया तो हमारा जो ट्रेडिंग रिलेशन होता है वो क्लोज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए तो एक काफी ज्यादा नुकसान है इससे। दूसरा, इंडियंस आज के टाइम पर जो इतना डेवलप्ड कंडीशन में, इतना ज्यादा बेहतर कंडीशन में, आप खुद सोचो, इंडिया और पाकिस्तान की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एक जैसा है। इंडिया और पाकिस्तान का, आप खुद सोचिए, इंडिया और पाकिस्तान की एंशियंट और मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री एक जैसी है। इंडिया के जो एडटेक हैं, अगर वो पढ़ाना चाहें तो पाकिस्तान के बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, लिटरली बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं पाकिस्तान के बच्चों को। हमारे टीचर्स, इंडिया के टीचर्स पाकिस्तान के बच्चों को वो रियल हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं जो एक्चुअल में उनकी है ना। वरना पाकिस्तान के बच्चों को तो ये बताया था कि एंशियंट सिविलाइजेशन जो थी वो काफिरों की सिविलाइजेशन थी। आप सोचो इंडियंस कितना अच्छे से उनको समझा सकते हैं। फिर पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो काफी हद तक इंडिया से मिलती जुलती है, ज्योग्राफिकल कंडीशन मिलती जुलती है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो टीचर बेस है वो इतना स्ट्रांग है कि हम लोग उनको अच्छी ज्योग्राफी पढ़ा सकते हैं, अच्छी पॉलिटी पढ़ा सकते हैं, अच्छे से उनको चीजें समझा सकते हैं, है ना। तो हमारे लिए तो भैया एक तरह से ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कम हो रही है भाई। अगर इस, मुझे नहीं पता कि ये जो ऐसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, ये पाकिस्तान तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, पर अगर पाकिस्तान तक पहुंचता है तो मैं चाहूंगा कि भाई थोड़ा सा सपोर्ट करो आप लोग। इंडिया की जो YouTube चैनल्स हैं, इंडिया के जो YouTube चैनल्स हैं, इतने पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, उनसे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। आप लोग इंडिया के चैनल्स पे आकर पढ़ो, सीखो वहां पे आकर, ठीक है। तो ये जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक अनरेस्ट बना हुआ है और इसके बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिकल बेनिफिट्स पर। फिर लगातार इस तरह के जो एक्शंस पाकिस्तान में हो रहे हैं, टेररिस्ट अटैक्स जो होते रहते हैं, इनसे भी बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं, है ना। तो ये जो डिस्प्यूट्स है ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए प्लीज कि किस तरीके से इकोनॉमिकल एक अनस्टेबिलिटी आती है पाकिस्तान में, तो उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है। सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज्यादा है भाई। पाकिस्तान की जो इनस्टेबिलिटी है कहीं ना कहीं, इससे आप ये सोचिए कि वहां की गवर्नमेंट कहीं ना कहीं दबाव में आ जाती है आगे चलकर टेररिस्टों के, और लगातार टेररिस्टों की फीडिंग करने की वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान आज के टाइम पर, वहां की गवर्नमेंट, वहां की जो आर्मी है, वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहीं ना कहीं इन आतंकवादियों की कठपुतली बन चुकी है। आज के टाइम पर ये जो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है
उनकी ऑर्गेनाइजेशंस, कि वो लोग वहां की सरकार को, वहां की आर्मी को कंट्रोल करते हैं। और इसमें से लश्करे तोयबा एंड जैश ए मोहम्मद तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल में वो आस्तीन के सांप हैं जो इंडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर इसके साथ साथ ये पाकिस्तान की खुद की स्थिति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी का, गवर्नमेंट का कितना पैसा इन आतंकवादियों को पालने में, इन आतंकवादियों की फीडिंग में लग जाता है, बर्बाद हो जाता है। और सिर्फ किस लिए, किसी तरह से हम लोग इंडिया को क्या कर सकें, नीचे कर सकें, इंडिया को किसी तरह से तोड़ सकें, सिर्फ इसी इंसिडेंट की वजह से। पाकिस्तान की विचारधारा ही यही है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी क्या कंडीशन है। और इस इनस्टेबिलिटी का फायदा क्या, ये जब आतंकवादी संगठन उठाएंगे तो वहां की गवर्नमेंट और ज्यादा इनस्टेबल होगी, और ज्यादा इनस्टेबल होगी तो उनको एक्शंस आतंकवादी संगठनों के अकॉर्डिंग लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से लगातार क्या, कहीं ना कहीं ये लोग इंडियन टेरिटरीज पर लगातार क्या करते रहते हैं, अटैक्स करते रहते हैं। इन अटैक्स का इंपैक्ट ये पड़ता है कि इंडिया के सिटीजन को जब नुकसान होता है तो हमारी सरकारें क्या, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट फिर एक्शन लेती हैं, तो इसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों के ऊपर, भारतीय लोगों के ऊपर, हमारे सिटीजन्स के ऊपर। इसके अलावा हमारे जो साजो सामान है, हमारी जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको नुकसान पहुंचता है। आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया उरी का जो अटैक हुआ था, पुलवामा का जो अटैक हुआ था, फिर इसके अलावा जो मुंबई अटैक हुआ था। अब आप खुद सोचिए, मुंबई अटैक में इससे पहले 1993 वाला जो अटैक हुआ था, जो नाइन दाऊद इब्राहिम ने करवाया था, उस अटैक में दाऊद इब्राहिम को शरण दे दिया आपने। अब जब आप ऐसे शरण दे दोगे तो नो डाउट हमें तो कहीं ना कहीं लगेगा ना कि आप कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट ही काम कर रहे हो, आप हमारे साथ रिलेशन ही नहीं सुधार रहे, आप कभी स्टेबल होना ही नहीं चाहते। हम लोग क्यों चाहते हैं पाकिस्तान स्टेबल? पाकिस्तान स्टेबल होगा तो हम लोग भी पाकिस्तान से इस तरीके के जो लोग हैं उनको क्या कर पाएंगे, खत्म कर पाएंगे। अभी ऑलरेडी आप लोग एक्शन देख चुके हो, इंडिया ने खालिस्तानी लोगों के अगेंस्ट किस तरीके से एक्शन लिया, चाहे वो खालिस्तानी पाकिस्तान में बैठा हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे अमेरिका में हो, हम लोगों ने हर एक देश, हर दुनिया के हर कोने में जाकर खालिस्तानियों को मारा है। अब खालिस्तानियों को सपोर्ट करने का क्या मतलब बनता है, ये जो खालिस्तानी है इनको सपोर्ट करने का क्या मतलब बनता है? और यही लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद है जो खालिस्तान को सपोर्ट भी कर रहे हैं। इनके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई लश्कर ए खालसा, शायद आप लोगों को नहीं पता पर मैं बता देता हूं, लश्कर ए खालसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई खालिस्तान को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान में, इसी लश्कर ए तोयबा की द्वारा। खुद सोचिए आप लोग कि किस तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया के लिए। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है कश्मीर इशू। कश्मीर इशू एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलरेडी ऑन टेबल पर कई बार डिस्कशन हो चुका है, बट अनफॉर्चुनेट कंडीशन ऑन टेबल इतनी बार डिस्कशन होने के बावजूद भी, इंटरनेशनल कई ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बावजूद भी, पाकिस्तान इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहता। पाकिस्तान क्या कर रहा है, कश्मीर की डेमोग्राफी को पूरी तरह से बदलने की कोशिश कर रहा है। कौन से वाले कश्मीर की? पीओके वाले पार्ट की, पीओके वाले पार्ट की पूरी डेमोग्राफी को क्या चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, उसका कारण एक्चुअल में वही है कि एक बार डेमोग्राफी चेंज हो गई, हमारे लोग वहां पे सेटल हो गए, फिर उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं, हम सारी चीजें अपने कंट्रोल में लेकर चलेंगे, हमारे लोग होंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर इंडिया अपने कंट्रोल में ले भी लेगा तो हमारे लोग वहां पे आतंकवादी घटनाएं शुरू कर देंगे। दूसरी चीज, यहां पर ये एक पार्ट है, यहां पर इस तरीके से ये वाला पार्ट मैं आप लोगों को जरा दिखा दूंगा एक बार अच्छे से। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा, ये जितना ग्रीन मार्क मैंने कर रखा है अंदर अंदर, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान के पास है, इसी को हम लोग बोलते हैं पीओके। साथ साथ इसने और क्या कर दिया, एक ब्लंडर इसने ये और कर दिया है कि यहां पर एक टेरिटरी का रीजन इसने, यहां पर ये जो ब्लू मार्क किया है मैंने, यहां पर एक रीजन इसने किसको दे दिया, चाइना को दे दिया, किसको दे दिया, चाइना को दे दिया।
और यहां पर आया था स्काई चीन, यहां पे आया था सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर को आपको पता होगा लगातार इसको लेकर फाइट करता रहता पाकिस्तान, इसके लिए ही इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। मेघदूत इसी के लिए चलाया था सियाचिन के लिए। अगर सियाचिन चला जाता तो पाकिस्तान और चाइना इनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी क्या स्थिति है, क्लियर है यहां पे। तो ये फिलहाल वो कंडीशन है यहां पे गिलगित बाल्टिस्तान, ये रीजन है जो ऑलरेडी पीओके कहा जाता है। और फाइनली ये पश्चिमी, ये जो कश्मीर जिसे आजाद कश्मीर पाकिस्तान कहता है, ये पूरा का पूरा पार्ट अभी डिस्प्यूटेड है। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान के कंट्रोल में, और हम लोग इसको क्या कहीं ना कहीं वापस लेने की कोशिश में है। लगातार हम लोग इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, लगातार हम लोग इसको लेकर काम कर रहे हैं। हाल ही में आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था, उसमें भी नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में बात की थी, क्लियर। और लगातार यहां पर पाकिस्तान ने क्या किया, अपनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सारी की सारी है वो यहीं पर स्टैब्लिश कर रखी है पीओके वाले पार्ट में। आप लोगों को मैंने जो पीछे बताया था कि 1989 में पाकिस्तान ने जो इंसर्जेंसी ग्रुप्स एस्टेब्लिश किए वो एक्चुअल में इसी पीओके वाले पार्ट में एस्टेब्लिश किए थे, और यहां पर उनके ट्रेनिंग कैंप लगा दिया, और यही ट्रेनिंग कैंप से उनको इंडिया भेजा जाता था। और इससे हमारे लिए तो नुकसान है ही है, पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है उनके पैसे का। अगर ये पार्ट हमारे पास होता, इंडिया के पास होता, तो 100% हम लोग इसको ज्यादा बेहतर सुधार सकते थे। बट अनफॉर्चुनेट कंडीशन, इंडिया में भी कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज, मंद बुद्धि लोग हैं, हमारी कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक्चुअल में बोलती हैं कि जो चीज चली गई उसको चली गई, उसको छोड़ो आगे बाकी की सोचो। क्यों चली गई भाई? कल अगर आपके घर में आकर अगर आपके घर के किसी कमरे को पर कोई कब्जा कर लेगा तो क्या आप कब्जा होने दोगे? नहीं ना। आज नहीं तो कल किसी तरह से फाइट करके आप उस कमरे को वापस लोगे बाय हुक और क्रुक। सेम फॉर इंडिया, हमको भी वो हिस्सा वापस चाहिए, बट हम नहीं चाहते किसी तरह का यहां पर युद्ध हो, किसी तरह की लड़ाई हो, किसी तरह का इस तरह का डिस्प्यूट, एक नया डिस्प्यूट यहां पे पैदा हो जाए, हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं शांति के माध्यम से ज्यादा अच्छे तरीके से ये चीजें क्या हो जाए, हैंड ओवर कर दी जाए। सेकेंड थिंग, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लगातार पाकिस्तान में। खैर ये तो मैं आपको शुरू से ही बोल चुका हूं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेकर पाकिस्तान में आज तक 5 साल तक कोई भी एक सरकार नहीं आ पाई है। 5 ईयर एक भी प्रधानमंत्री, एक भी पीएम पाकिस्तान में 5 साल अपने पूरे नहीं कर पाया। अब ऐसी स्थिति में 100% है कि इंडिया के भी कहीं ना कहीं इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है भाई, सीधी सी बात। और ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में पावर में आ रही हैं, ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में पावर में आती हैं, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है, वो लोग थॉट ही लेकर आते हैं एंटी इंडिया। और उसके इस एंटी इंडिया विचारधारा की वजह से, पाकिस्तान के इस एंटी इंडिया विचारधारा की वजह से कहीं ना कहीं एक इनस्टेबिलिटी आती है, क्योंकि जब वो अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाते तो फिर उनको पीछे हटना पड़ता है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी या तो उनको पीछे खींच देती है या फिर वहां के लोग उनको पीछे खींच देते हैं। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ये कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको भी क्या कर दिया जाए, अनस्टेबल करने की कोशिश की जाए। तो ये जो लगातार होने वाली कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से, इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और कई बार हमको देखने को मिलता है पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को टारगेट करने के लिए क्या कई इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलता है। आई होप आप लोग इशारा समझ रहे होंगे मैं किन पार्टीज की तरफ इशारा कर रहा हूं, और ये सीरियसली बहुत गलत है। आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी, इंडिया की एज अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप किसी दुश्मन देश के साथ मिल रहे हो और इस तरह से मीटिंग कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा गलत है। लास्ट ईयर जो 2019 का जो इलेक्शन हुआ था, आपको उसमें देखने को मिलेगा पाकिस्तान के लोग ये डिमांड कर रहे थे, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की जो सरकार है वो डिमांड कर रही थी कि इंडिया में ये वाली गवर्नमेंट आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। सोचिए कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी क्रेडिबिलिटी किस तरीके की है।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात कितना ये चीज डिस्प्यूटेड है। फिर इंडिया की कई, सोचो इंडिया की कई पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज में भी पाकिस्तान के साथ आ जाती हैं कि हमको सबूत दिखाओ कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक किए। तो इंडिया में जब इस तरीके की अनस्टेबिलिटी आएगी तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट जो है वो बहुत नेगेटिव पड़ेगा। तो पाकिस्तान में अगर स्टेबिलिटी आ जाएगी तो उसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर भी अच्छा पड़ेगा कि वो स्टेबल गवर्नमेंट इंडिया की, इंडिया में भी चाहेगी स्टेबल गवर्नमेंट हो। जैसे इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट है तो हम लोग हमेशा चाहेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल हो जाए ताकि हमारे लिए ट्रेड रिलेशन अच्छे बेहतर हो सके, है ना। फिर यहां पे आता है एक न्यूक्लियर, भाई न्यूक्लियर थ्रेट बहुत बड़ा है पाकिस्तान। मैंने आपको बताया पहले तो टैक्टिकल वेपन से ज्यादातर पाकिस्तान में जितने भी न्यूक्लियर वेपन है ये सारे के सारे टैक्टिकल वेपन्स हैं। और ये सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन जो टैक्टिकल वेपन है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के उन एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स या फिर ग्रुप्स के हाथ में लग सकते हैं। सीधे सीधे बोला जाए तो वहां के टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में लग सकते हैं। और अगर गलती से भी उनके हाथ में ये चीजें चली गई तो उसका कितना ज्यादा बड़ा एक बोला जाए तो थ्रेड कितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और ये कंसर्न सिर्फ इंडिया का नहीं, ये कंसर्न पूरे के पूरे वर्ल्ड का है। पूरा का पूरा वर्ल्ड इस चीज के से डरा हुआ है कि अगर गलती से भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स किसी गलत एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में चले गए तो उसका कितना ज्यादा बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ये पूरे के पूरे वर्ल्ड को अनस्टेबल कर सकता है। किस तरीके के एक्सीडेंटल यहां पर एक्शंस होंगे आप लोग ये सोचिए। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर है कि यार किस तरीके से वो न्यूक्लियर वेपन, सोचो इंडिया से ज्यादा 170 स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें आपको पता होगा अभी रिसेंटली रिजल्ट आया था उसमें बताया गया था किसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो स्टॉकहोम जो इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस है उसमें बताया गया था पाकिस्तान के पास इंडिया से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है 170। वो बात अलग है ज्यादातर वर्किंग नहीं है पर किसी भी इस तरीके के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप या टेररिस्ट ग्रुप के हाथ में अगर ये लग गए तो सोचिए क्या कंडीशन होगी। ये लोग किस किस को ये न्यूक्लियर वेपन बेच सकते हैं, ये लोग पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी बेच सकते हैं, किस तरीके से ये लोग इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट पैदा कर सकते हैं सोचिए। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट आए। तो ये तो था पूरा का पूरा आपका एसे जो मेन कंटेंट था, अराउंड 300 वर्ड का पूरा कंटेंट आज मैंने आप लोगों को डिलीवर किया है। जितने लोगों को ये एसे चाहिए होगा प्लीज मुझे व्हाट्सएप जरूर करना, मैं आप लोगों को ये एसे देने की कोशिश करूंगा, आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो कहीं ना कहीं एक तो पहली चीज क्या है, ये अभी जो टारगेट है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दूर है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाई जाए, ठीक है। और इस स्टेबिलिटी के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ठीक है, हैम्पर ऑफ द इफेक्टिव गवर्नमेंट्स, ठीक है, पोज टू रिस्क ऑफ द टर्म ऑफ द न्यूक्लियर सिक्योरिटीज, ठीक है, ऑब्स्टिकल्स फॉर द मीनिंगफुल एंगेजमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज, इस तरह की चीजों को कहीं ना कहीं डील करना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर क्या करना पड़ेगा, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी को लेकर आना पड़ेगा। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में एक पीसफुल इन्वायरमेंट को प्रमोट करेंगे, सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगे तो उसका बहुत ज्यादा क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया के लिए भी। और ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए और ये रीजनल प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है, इंग्लिश वालों के लिए साथ साथ हिंदी वालों के लिए भी है। यहां पर पाकिस्तान में वही सेम बात जो मैंने अभी बोली, अस्थिरता भारत के लिए एक दूरगामी परिणाम होगा, ठीक है। ये सीमा पर आतंकवाद की बढ़ावा देता है, प्रभावी शासन को प्रभावित करता है, परमाणु जो संयंत्र है उसका जोखिम है, दोनों से देशों के साथ सार्थक एक बंधुत्व को जोड़ना या जुड़ाव बढ़ाना यहाँ पर क्या है एक बहुत बड़ी बाधा है। और दोनों ही देशों को अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के साथ मिलकर बातचीत करके यहाँ पर क्या स्थिरता पाकिस्तान में लाई जानी चाहिए। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये एक रीजनल कॉपरेशन बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा, यहाँ पर रीजनल क्षेत्रीय जो विकास है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर पाकिस्तान और इंडिया एक साथ होते तो आज के टाइम पर चाइना की हिम्मत नहीं थी कि वो पाकिस्तान मतलब इंडिया को पीछे कर देता। आप लिटरली सोचिए हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा
बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश का है चावल के उत्पादन का और कपड़ों के काम का, जूट के उत्पादन का कहां बांग्लादेश में चला गया पाकिस्तान के बंटवारे की वजह से। हमारे देश का एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का पार्ट जो वहां पर हम लोग कॉटन प्रोडक्शन कर सकते थे, जहां पर हम लोग कॉटन के साथ साथ राइस प्रोडक्शन कर सकते थे, वो सिंधु वाले पार्ट में चला गया हमारा पाकिस्तान में। आप सोचिए कितना बड़ा एक पार्ट हमारा वहां से हमारे हाथ से निकल गया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसके अलावा बलूचिस्तान में जो इतने इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो हमारे हाथ से निकल गए। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितना हो सके इस वीडियो को अच्छे से समझिए, बार बार देखिए और अपनी नोट्स बनाइए। मैंने आज पूरा का पूरा ऐसे आपको डिलीवर किया, अदरवाइज मैं मेन मेन पॉइंट्स को लेकर डिलीवर करता था, आज मैंने पूरा ऐसे आप लोगों के साथ डिलीवर किया, पर्टिकुलर लाइंस टू लाइन यहां पर लिखकर आप लोगों के साथ डिलीवर किए, ताकि आप लोगों को पता चले किस तरीके से चीजों को डिलीवर करना है, किस तरीके से बातों को सामने रखना है। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग मेरे से जरूर पूछिए एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप लोगों का लाइक करना बहुत जरूरी है, साथ साथ प्लीज वीडियो पर कमेंट करके बताइए और कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। अगर कोई कमी है तो प्लीज वो भी बताइए, साथ साथ वीडियो को प्लीज हो सके तो अपने दोस्तों भाई बहनों को व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपका ये प्यार हमको मिलता रहे, हमें पता चले कि इस वीडियो पर कितने नए लोग आए हैं। तो फिलहाल अभी मुझे इस वीडियो में दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।